अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू गियर सर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला Xiaomi Mi A1 को Lenovo K8 Note के साथ में और बताऊंगा दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलो डिजाइन की। तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में मेटल का यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाएगा, बट Xiaomi का जो A1 है वहाँ पर आपको टॉप और बॉटम में प्लास्टिक का पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एंटीना लाइन दी हुई है और यहाँ पर आपको फुल मेटल का पोर्शन देखने को मिल जाएगा। पूरा बैक जो है पूरा मेटल ही है, प्लास्टिक का यहाँ पर आपको कोई भी पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करते हैं Lenovo K8 Note की। तो यहाँ पर आपको टॉप और बॉटम में प्लास्टिक का पोर्शन देखने को मिलेगा, एंटीना लाइन यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली Xiaomi A1 इज बेटर देन Lenovo K8 Note। और स्लिमनेस और थिकनेस की भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो Xiaomi का डिवाइस है वो 7.3 mm थिकनेस के साथ में आता है, बहुत ही स्लिक बना है Xiaomi ने इस बार। और Lenovo का फोन आपको 8.5 mm की थिकनेस से मिलता था, डेफिनेटली थोड़ा थिक रहने वाला है एज कम्पेयर टू Xiaomi A1। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में Xiaomi A1 इज बेटर देन Lenovo K8 Note। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, दोनों ही फोन में आपको सेम डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपको 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 401 ppi के साथ में आता है, 2.5D कर्व ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दोनों ही फोन में दिया हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले दोनों ही डिस्प्ले अच्छा रहने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की। तो यहाँ पर जो Xiaomi का डिवाइस है Xiaomi A1 में आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 2.0 GHz पे क्लॉक्ड है। वहीं बात करते हैं Lenovo के प्रोसेसर की, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा MediaTek का Helio X23 का प्रोसेसर, जो कि डेका कोर का प्रोसेसर है, 2.3 GHz पे काम करता है। तो दोनों प्रोसेसर में से कौन सा बेटर है? तो यहाँ पर डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर सेम रहने वाले, बहुत दोनों ही अच्छे से अपने टास्क पूरे कर लेंगे, गेमिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट बैटरी ऑप्टिमाइज बैटरी का जो कंजम्पशन है वो स्नैपड्रैगन 625 में थोड़ा कम रहेगा, मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू X23 के। और जो हीटिंग इश्यूज भी अगर आप बोल सकते हो तो थोड़ा कम गर्म होएगा Lenovo का, Lenovo से थोड़ा कम गर्म होगा Xiaomi का फोन, क्योंकि यहाँ पर जो X23 का प्रोसेसर है वो स्लाइटली थोड़ा बहुत हीट हो जाता है गेमिंग करने के टाइम पे, बट जो स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है वो थोड़ा कम गर्म होगा एज कम्पेयर टू X23 के। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही सेम रहने वाला है, बट जो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन है वो स्नैपड्रैगन 625 में बेटर रहने वाला है। बात करते हैं दोनों फोन के हाईलाइटिंग फीचर की। तो यहाँ पर जो बात करते हैं Xiaomi A1 की, तो यहाँ पर आपको बैक में मिल जाएगा दो कैमरा, दोनों ही कैमरा 12 मेगापिक्सल के। जो पहला कैमरा उसका अपर्चर है 2.2 का, जो दूसरा कैमरा है उसका अपर्चर है 2.6 का। एक प्राइमरी सेंसर है, एक टेलीफोटो लेंस है। तो ये काम कैसे करता है? यहाँ पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम भी मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाएगा, जैसा कि आपने आईफोन प्लस 7 प्लस में और वन प्लस 5 में देखने को मिला था। वहीं बात करते हैं Lenovo K8 Note की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैक में दो सेंसर, यहाँ भी है, एक 13 मेगापिक्सल का, एक 5 मेगापिक्सल का, 2.0 अपर्चर के साथ में आता है। यहाँ पर आपको कोई मतलब 2x ऑप्टिकल जूम Lenovo के फोन में तो देखने को नहीं मिलेगा, बट वहाँ भी Lenovo के फोन में भी आप बोके मोड वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना सकते हो। और फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो Lenovo का फोन है वहां पर आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा LED फ्लैश के साथ में। वहीं बात करते हैं Xiaomi के फोन की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो डेफिनेटली कौन सा कैमरा अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं, जो रेयर कैमरा है डेफिनेटली जो फीचर्स है वो आपको Xiaomi के फोन में ज्यादा मिलेगा, और डे लाइट में और लो लाइट में दोनों ही कंडीशन में आपको जो रेयर कैमरा है Xiaomi A1 में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू Lenovo K8 Note से। और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको Lenovo K8 Note में बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू Xiaomi A1। तो डेफिनेटली रेयर कैमरा के लिए अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी रेयर कैमरा है तो आप जाइए Xiaomi A1 के लिए, और आपका जो फ्रंट कैमरा है तो आप Lenovo K8 Note ले सकते हो। बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, बट जो Xiaomi का फोन है यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है, और जो Lenovo K8 Note है वहाँ पर आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट दिया हुआ है। तो डेफिनेटली Lenovo K8 Note में आपको ज़्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू Xiaomi A1 के। और बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में सभी तरीके के सेंसर देखने को मिल जाएंगे, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, सभी तरीके के सेंसर देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर Xiaomi में जो है IR ब्लास्टर आपको एडिशनल मिल जाएगा, और दोनों ही फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ सेंसर दोनों ही फोन अच्छा है, बट Xiaomi में आपको IR ब्लास्टर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों ही फोन की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर जो Xiaomi का फोन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा 3080 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब
टेक्निकली जो अब जो बॉक्स में तो आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाला है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर वाला चार्जर देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं लेनोवो केट नोट की, तो वहां पर आपको मिल जाएगी 4000 एमएएच की बैटरी टर्बो चार्जिंग के साथ में, और बॉक्स में आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है लेनोवो। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हुए लेनोवो का फोन जीत जाता है शाओमी A1 के इस कैटेगरी में। तो यही था दोनों फोन का कंपैरिजन। तो प्राइसिंग की बात करते हैं तो जो शाओमी का डिवाइस है वो 15000 में इंडिया में लॉन्च हुआ है। वहीं बात करते हैं प्राइस लेनोवो केट नोट की 64GB वाली वेरिएंट की, तो वो आपको मिल जाएगा 13999, मतलब ऑलमोस्ट 14000, तो 1000 का फर्क है। सो गाइस दोनों फोन में से कौन सा बेटर है, तो गाइस आपको बता दूं कि दोनों ही फोन बेटर है, कोई दोनों में से कोई भी फोन खराब नहीं है, दोनों ही फोन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं आपको एक अच्छा से एग्जांपल देके आपको बता देता हूं कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, आप उससे मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फोन लेना है। सपोज मैं मेरी बात करता हूं, तो मुझे ये स्मार्टफोन में मेरी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, जो मेरे से मैच करती है, मैं वो देख के स्मार्टफोन लेता हूँ। सपोज मुझे फोन में परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए प्लस मुझे बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए रहती है, तो मैंने लिया रेडमी नोट 4, तो मेरी मतलब जो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है उससे मैच करता है। बैटरी लाइफ भी रेडमी नोट 4 की अच्छी है प्लस परफॉर्मेंस भी अच्छा, स्टेबल चिपसेट मिल जाती है, तो मेरे लिए रेडमी नोट 4 अच्छे से वर्क करता है। बट आपके अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग रहती है और अलग अलग प्रायोरिटीज रखती है, अलग अलग रहती है। तो दोनों ही फोन में से आपके लिए कौन सा बेटर है, तो मैं आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, स्लिम फोन चाहिए और आपको प्रोसेसर थोड़ा स्टेबल चाहिए, कम हीट होने वाला चाहिए, प्लस आपको जो रेयर कैमरा है वो अच्छा चाहिए और आयर ब्लास्टर वगैरह आप यूज़ करते हो, तो जाके शाओमी A1 ले लीजिएगा। मत सोचिए ये सब चीज़ें आपको शाओमी A1 में बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू लेनोवो केट नोट से। और अगर आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट चाहिए, सेल्फी कैमरे के आप लवर हो, और अगर आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए प्लस फास्ट चार्जिंग चाहिए, डेटा मैक्स टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, आप VR वगैरह में ज़्यादा हो, तो आप जाके लेनोवो केट नोट ले सकते हो। तो यार दोनों ही फ़ोन अच्छा है, आपकी हाईएस्ट क्वालिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। तो यही था दोनों फ़ोन का कंपैरिजन। तो गाइस अगर आपको मेरा कंपैरिजन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक ले थैंक यू। और गाइस आपका जो भी मतलब कुछ अगर आपको वीडियो आप चाहते हो कि मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूँ या कुछ चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का, और मैं आप सभी का कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक ले थैंक यू।